Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस क्वेश्चन को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपके अंदर वो कौन सी खूबियां हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी प्रशंसा आपके शत्रु भी करते हैं, आपके दुश्मन भी उसकी तारीफ करते हैं। तो ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन बटन भी है जहाँ पर हमारे चैनल की मेंबरशिप है। अगर वो मेंबरशिप आप लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। तो उसके लिए आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे लेवल हैं मेंबरशिप के। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। अब हम रीडिंग की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो शत्रु हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके शत्रु या उनके दुश्मन, उनके अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी तारीफ करते हैं। तो जो कार्ड आया है वो आया है यहाँ पर द फूल का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। और भी हम कार्ड्स लेंगे। आपके जो शत्रु हैं वो आपके अंदर कौन सी खूबियां हैं जिसकी तारीफ आपके शत्रु भी करते हैं, वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी प्रशंसा आपके शत्रु भी करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। आपके अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी तारीफ आपके शत्रु भी करते हैं। तो कार्ड जो है वो आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। The Hierophant, Ten of Swords, The Wheel of Fortune, and bottom of the deck, Three of Pentacles. Energy Oracle से भी देखेंगे। एनर्जी ओरेकल से भी देखेंगे कि आपके अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी तारीफ आपके दुश्मन भी करते हैं, जिसकी प्रशंसा। एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस, ब्रोकन हार्ट, वो कौन सी आपके अंदर खूबियां हैं जिसकी तारीफ आपके शत्रु भी करते हैं। हैप्पी फैमिली एंड हीलर ऑफ द एजेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पर आपके बारे में बात करूँ, आप जो हैं बहुत, जिस भी काम में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी जॉब में हैं, वहाँ पर जो आपकी स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, चाहे वो वर्किंग स्किल की बात करें, वो स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी हैं। मीन्स आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं जिस भी जगह पर आप काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप
आपको बहुत नॉलेज है और आप एक्सपर्ट में बोल सकती हूँ, उस जिस भी फील्ड में आप अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और साथ साथ आप जो हैं हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं, हमेशा जो है एंजॉय करना पसंद, हमेशा आपको फन करना पसंद। यहाँ पर कुछ लोग जो है, मुझे 50% लोग जो हैं वो अबाव 35 ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी मैच्योर्ड एज में आकर भी आपके अंदर एक जो है जीने का जज्बा है, आपके अंदर एक खुश रहने की जो आपकी जो आदत है, हर हाल में खुश रहना, हर जगह पर एडजस्ट हो जाना, ये एक जो क्वालिटी है ना, उसकी लोग दाद देते हैं, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। साथ साथ आपके अंदर ऐसा आपका नेचर है, आप बहुत ही सहनशील हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं। तो अगर आप वर्क प्लेस की बात करूं, तो अगर आप फीमेल हैं तो कई हो सकता है आपके जो साथ में काम करने वाले जो लोग हैं वो आपको लाइक करते हो, आप उनकी क्रश हो, या अगर मेल देख रहे हैं तो आप उनके क्रश हो, क्योंकि आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी खूबसूरती ऐसी है कि लोग आपके ऊपर मोहित हो जाएं, लोगों का दिल आ जाए। मेन बात तो क्या है कि खूबसूरती तो एक अलग बात है, जब खूबसूरत होने के साथ साथ, जब सुंदर होने के साथ साथ, हैंडसम होने के साथ साथ, इंसान का जो नेचर होता है, जो एक बात करने का तरीका होता है, लोगों को डील करने का, वो एक बहुत अच्छा है आपके अंदर, और जिसके कारण जो लोग हैं ना आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं, आप बातचीत, लोगों को समझाने का तरीका, लोगों को कन्विंस करने का तरीका, लोगों से डील करने का जो तरीका है आपका एक अलग ही है। साथ साथ जो बात कहनी आप बिल्कुल क्लियर कहते हैं, आप थॉट्स की क्लैरिटी रखते हैं, घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती आपको, सीधे स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप बात कहते हैं। यहाँ पर द फूल का कार्ड ये बता रहा है आप हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हो। अगर बॉस ने आपको कोई टारगेट दिया कि आपको ये काम करना है विथ इन 4 डेज आपको ये काम करना है, तो आप उस काम को करके बताते हो, मीन्स आपको चैलेंजेस लेने में बहुत अच्छा लगता है, मीन्स आप चैलेंज लेना पसंद करते हो, लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हो। साथ साथ आप जो है बहुत एनर्जेटिक हैं, आप बहुत एक्टिव रहते हैं, हर काम को अप टू डेट रखना, हर काम को जो है समय पर करना, किसी भी काम के लिए डिले नहीं करना, तुरंत किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना। तो इस तरह की जो एनर्जी है ना, इस तरह की जो आपकी के अंदर खूबियाँ हैं, उसकी तारीफ जो है वो आपके शत्रु भी करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके जो जॉब में हो, जहाँ आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पर आपके कुछ लोग जो है राइवल्स भी हों, बट आपकी ये खूबियाँ देखकर वो लोग भी आपकी तारीफ करते हैं, वो लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। आप जो हैं, आपका नेचर इस तरह का है, आप कभी भी जो है अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्स को लो नहीं करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना ही जो है क्रिटिकल मोमेंट आ जाए, आपका जो है वो विश्वास ऐसा है कि अगर अभी अच्छा चल रहा है तो अच्छे के बाद बुरा समय, बुरे के साथ बाद अच्छा समय आएगा ही।
ये जो है अप्स एंड डाउन्स जीवन में चलते हैं और इन चीज़ों से आप घबराते नहीं हो। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है लोग आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके जो एक काइंड नेचर है, जो आपका एक लोगों को पर विश्वास करने का जो एक नज़रिया है, सॉरी लोगों का जो एटीट्यूड है, विश्वास कर लेते हैं, आपका नेचर ऐसा है कि आप लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, तो लोग आपको कई बार चीट भी करते हैं, आपको डिसीव भी करते हैं, बट यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होने के बावजूद आपकी जो एनर्जी, देखिए हीरोफेंट यहाँ पर ये जो मैन बैठा है कितना खुश दिखाई दे रहा है, मीन्स आप हमेशा इतना सब कुछ होने के बाद अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं, आप अपनी एनर्जी को लो नहीं करते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, आप जो लोग आपको धोखा देते हैं, जो लोग आपके साथ चीटिंग करते हैं, वो चीटिंग कर देते हैं, आप संभल भी जाते हो, उसके बाद आप उन चीज़ों से लेसन लेते हो, आप उन चीज़ों से एक सबक लेते हो और सबक लेकर आगे बढ़ते हो। यहाँ पर डेविल का कार्ड आ रहा है, तो जो कि ये बता रहा है कि आपके आसपास हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग लोग हों, बहुत जो एनवायरनमेंट हो वो बहुत टॉक्सिक हो, अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो, या हम वर्क प्लेस की बात करें तो, या यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 20% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका जो ससुराल है बहुत ज़्यादा, जो ससुराल के लोग हैं बहुत कंट्रोलिंग हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे वर्क प्लेस पे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत कंट्रोलिंग जो है एनवायरनमेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके शोल्डर पर बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है, अगर ससुराल की बात करूँ तो, अगर वर्क प्लेस की बात करूँ तो, क्योंकि आपकी जो आपका जो नेचर है ना, आप किसी को मना नहीं कर सकते, आप किसी के काम के लिए, जैसे किसी ने आपको अप्रोच किया किसी काम के लिए, किसी ने रिक्वेस्ट की, तो आप उस काम को तुरंत करते हैं, मना नहीं कर पाते, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाते हैं, फिर भी आप लोगों को महसूस नहीं होने देते किसी चीज़ का कि आप क्या फेस कर रहे हो, आपके साथ क्या बीत रही है। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आप जो हो बैलेंस करके चलते हो चीज़ों को बहुत अच्छे से। पेशेंस का कार्ड भी ये बता रहा है कि आप बहुत, आपके अंदर बहुत सब्र है, बहुत सहन शक्ति हो है, जिसकी जो तारीफ़ है, ये जो ट्रेट्स है ना आपके अंदर, ये जो आपका नेचर है, इसकी दाद, इसकी तारीफ आपके दुश्मन भी करते हैं। ब्रोकन हार्ट, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया तो भी आप बहुत सब्र रखते हो, किसी ने आपको बुरी बात बोल दी, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो आप बिल्कुल चुप रहते हो, इस तरह का नेचर है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड बता रहा है बहुत ज़्यादा आप पेशेंस रखते हो अपने अंदर, बहुत ज़्यादा आप सब्र वाले इंसान हो, और इसी कारण से अगर आप अपनी फैमिली की बात करें तो आप अपनी फैमिली में बहुत, आपकी फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है 20% लोगों के लिए कि ससुराल वाले बहुत टॉक्सिक हैं, बट कई बार आपके जो इन लॉज हैं वो भी इस बात की पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं कि आपके अंदर बहुत सब्र है, वो ये भी बोलते होंगे कि हमारी कोई और लड़की होती, कोई और बहू होती तो वो कब का छोड़ के चली जाती, लेकिन आप जो हो
सब कुछ सहन करके रह रहे हो। हालांकि वो आपको कंट्रोल करते हैं, बट पीठ पीछे आपकी तारीफ भी होती है। तो इसी तरह से जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी आपकी इस बात में तारीफ करते हैं कि आप बहुत सहन करते हो चीज़ों को। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। आप अपने आप को हील भी जल्दी कर लेते हो, बहुत जल्दी चीज़ों से हील होते हो आप। कोई आपकी लाइफ में सैड मोमेंट आ गया, कोई बैड एक्सपीरियंस आ गया, कुछ दिन, एक दो दिन आपको लगता है, एक दो दिन आप उन चीज़ों का शोक मनाते हो, फिर तीसरे दिन आप खुद ही बैलेंस कर लेते हो, अपनी एनर्जी को हील कर लेते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके अंदर, ये आपके शत्रुओं को भी जो है आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर देती हैं। हो सकता है सामने आपके वो आपके साथ कंपटीशन रखते हो, आपके साथ जेलस दिखाते हो, बट पीठ पीछे कई बार वो आपकी तारीफ करते हैं। वो भी इस बात का लोहा मानते हैं कि आपके अंदर बहुत सब्र है, बहुत पेशेंस है, आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है हर चीज़ का। तो इस चीज़ का भी लोहा जो है ना आपके शत्रु मानते हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।